नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आपको मैं फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर्स के अंदर आने वाले अलग अलग प्रकार के एक्सल्स के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि हर एक किसान भाई का काम अलग अलग होता है और हर एक किसान भाई की अलग अलग जरूरतें होती है। तो हर किसान भाई के लिए अलग अलग प्रकार के फोर व्हील ड्राइव एक्सल्स कंपनीज के द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन किसान भाई को इन टेक्नोलॉजीज के बारे में पता नहीं होने के कारण एक गलत फोर व्हील ड्राइव एक्सल वाला ट्रैक्टर खरीद लेते हैं और इस कारण उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ता है। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कितने प्रकार के फोर व्हील ड्राइव एक्सल्स होते हैं और किस काम के लिए हमें कौन सा फोर व्हील ड्राइव एक्सल खरीदना चाहिए, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। किसान भाइयों, आज इंडिया के अंदर आने वाले फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर्स में मुख्यतः दो प्रकार के एक्सल्स आते हैं, जिनमें बबल पिनियन और प्लेनेटरी एक्सल दोनों शामिल है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि आखिर दोनों एक्सल्स में क्या फर्क है और दोनों में से कौन सा एक्सल आपके लिए रहेगा ज्यादा बेहतर। तो इसका जवाब है कि दोनों ही एक्सल बेहतर है। तो आप बोलेंगे कि आखिर ऐसा क्यों? तो किसान भाइयों, इन दोनों ही एक्सल्स को कंपनी ने अलग अलग काम को करने के लिए बनाया है, इसलिए जैसी जरूरत वैसा ही एक्सल आपको लेना चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि आखिर बबल पिनियन एक्सल क्या है और यह कैसे काम करता है। किसान भाइयों, इस तरह के एक्सल में एक शाफ्ट एक बबल गियर से कनेक्टेड होती है और बेवल गियर से पहियों तक पावर पहुंचती है, जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख पा रहे होंगे। किसान भाइयों, तो चलिए अब बात करते हैं इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान। अगर फायदों की बात की जाए तो क्योंकि इसके अंदर बेवल गियर होता है तो इस कारण इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफी बढ़ जाता है और पडलिंग के कामों के लिए यह बेहतर है। उसी के साथ यह एक्सल वाटर सील्ड होते हैं, इस कारण इनका प्रयोग पडलिंग और पानी में होने वाले सभी प्रकार के कामों को करने के लिए हो सकता है। इसी के साथ इसमें बेवल गियर होने की वजह से इस तरह के ट्रैक्टर्स की टर्निंग रेडियस भी कम होती है, उस कारण आपको ट्रैक्टर को कम जगह में काट लेने में मदद मिलती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि इसके क्या नुकसान है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो इसका प्रयोग आप हेवी ड्यूटी कामों को करने के लिए नहीं कर सकते, जैसे कि लोडर डोजर आदि। किसान भाइयों, इस तरह के एक्सल्स में आपको ज्यादातर 50 HP से नीचे वाले ट्रैक्टर्स ही देखने को मिलते हैं। इस तरह के एक्सल्स को ज्यादा भारी कामों को करने के लिए उपयोग में नहीं लिया जाता है। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सल यानी कि प्लेनेटरी गियर एक्सल की। किसान भाइयों, इस तरह के फ्रंट एक्सल में एक ड्राइव शाफ्ट लगा होता है जो आगे के दोनों पहियों में आने वाली पावर को पहुंचाता है। इस शाफ्ट के एंड में एक प्लेनेटरी गियर होता है यानी कि 3-स्टार गियर सिस्टम लगा होता है, जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख पा रहे होंगे। किसान भाइयों, तो चलिए अब जानते हैं कि यह एक्सल्स किन कामों को करने के लिए बेहतर होंगे। किसान भाइयों, क्योंकि इसके अंदर प्लेनेटरी गियर लगे होते हैं, इसकी वजह से यह एक्सल काफी मजबूत होते हैं और इन एक्सल्स को बड़े और हेवी कामों को करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, जैसे कि लोडर डोजर और अन्य कई सारे भारी कामों को करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। किसान भाइयों, उसी के साथ आप इस एक्सल से खेती के वो काम भी आसानी से कर सकते हैं जहां पर ट्रैक्टर को गीली मिट्टी में नहीं चलाना पड़ता। किसान भाइयों, इससे आप खेती के हर काम कर सकते हैं, केवल आप पडलिंग में इसको नहीं चला सकते। किसान भाइयों, ये तो हो गए इसके फायदे, अब बात करते हैं कि इसके क्या नुकसान है। किसान भाइयों, क्योंकि इस एक्सल की क्रॉस की बनावट कुछ इस प्रकार की होती है, जिससे इसकी हाउसिंग के अंदर पडलिंग करते वक्त मिट्टी जाने का खतरा बना रहता है और इससे आपके एक्सल में मेंटेनेंस भी आ सकता है। उसी के साथ आपको ट्रैक्टर को टर्न करने में यानी कि ट्रैक्टर को मोड़ने में भी दिक्कत आ सकती है, इसीलिए यह एक्सल पडलिंग के लिए नहीं है। लेकिन आप पडलिंग को छोड़कर इससे बाकी सारे ही खेती के काम आसानी से कर सकते हैं। इस तरह के एक्सल आपको जॉन डियर गियर प्रो सीरीज में देखने को मिल जाते हैं, उसी के साथ महिंद्रा की नोवो सीरीज में भी यह एक्सल दिए जाते हैं। इसी तरह ज्यादातर 50 HP से ऊपर आने वाले ट्रैक्टर्स में आपको यही एक्सल देखने को मिलता है। किसान भाइयों, अब आप यह पूछेंगे कि हमें अगर पडलिंग के काम और भारी काम दोनों ही करने हैं तो फिर हम कौन सा एक्सल खरीदें। तो किसान भाइयों, आप इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे। अगर कमेंट्स ज्यादा होंगे तो हम इस पर एक वीडियो जरूर बनाएंगे कि हमें दोनों प्रकार के काम अगर करने हैं तो हमें कौन सा एक्सल लेना चाहिए। तो किसान भाइयों, यह था आज का वीडियो। आपको बस यही कहना चाहूंगा इस वीडियो के अंत में
कि अगर आपको पडलिंग के लिए ट्रैक्टर खरीदना है तो आप बबल पिनियन एक्सल लें, नहीं तो फिर आप प्लेनेटरी एक्सल ही लें क्योंकि यह बेहतर है। किसान भाइयों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियो YouTube पर देखने के लिए। धन्यवाद।